बलूचिस्तान फिर लहूलुहान। सिबी कौमी शाहरा पर बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी के करीब धमाका, 9 अहलकार शहीद, 8 जख्मी। SSP कच्ची के मुताबिक गाड़ी मुलाजमीन को सिबी मेला ड्यूटी के बाद कोयटा लेकर जा रही थी, जिसे निशाना बनाया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वजीर आला बलूचिस्तान की हिदायत पर सरकारी हेलीकॉप्टर बुलान रवाना, जख्मियों को कोयटा मुंतकिल किया जाएगा। अर्ज़े वतन को दहशत गर्दी की लानत से पाक करेंगे, शोहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद अहलकारों के अहल खानों से ताज़ियत और इजहार हमदर्दी, जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की भी दुआ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को हिफाजती जमानत मिलेगी या नहीं, लाहौर हाईकोर्ट का इमरान खान की हिफाजती जमानत की दो दरख्वास्तों पर एतराज। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्तें एतराज लागत वापस कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से वारंट मनसूखी की दरख्वास्त सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दायर, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। बढ़ती मुश्किलात और पाबंदी से कैसे निपटें, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज समान पार्क में पार्टी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें करेंगे। पेमरा की जानिब से पाबंदी समेत दीगर इश्यूज पर मुशावरत होगी। इमरान खान इदारों के खिलाफ मुहिम जोई कर रहा है और कोई पूछने वाला नहीं। एहतसाब का निजाम इमरान खान के सामने बेबस है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का शिकवा, कहा घड़ी चोर जब पुलिस को देखता है तो छुप जाता है, वो जानता है अदालत में पेश होगा तो गिरफ्तार होगा। इमरान खान ने सियासी मुखालफीन को इंतकाम के लिए जेल भेजा, इमरान खान हर बार कारकुनों के पीछे छुप जाते हैं, वो जाती तौर पर पुलिस से नोटिस वसूल नहीं करते, कार्रवाई में रुकावट डालने पर अदालत सख्त नोटिस ले, शेरी रहमान का मुतालबा। मरियम नवाज और आजम नजीर दारर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दायर दरख्वास्त पर लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर दिया। पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक नहीं, हमें तौहीन अदालत के कानून पर अमल दरामद करवाना होगा, वकील दरख्वास्त गुजार का मौकिफ। गुर्बत और गजाई किल्लत जैसे चैलेंजेस से मिलकर लड़ना होगा, मौसमियाती तब्दीली से कम तरक्की याफ्ता ममालिक सबसे ज्यादा मुतासर हुए। वजीर अजम शहबाज शरीफ का दोहा में अकवामे मुत्तहिदा की ज़ेरे इहतमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब, कर्ज का उसूल आसान बनाने और उनकी तरक्की के लिए फौरी इकदाम पर जोर, पाकिस्तान और कतर के दरमियान देरीना ताल्लुकात काबिले फख्र करार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के बाद स्पीकर से असेंबली आगा सराज दुरानी की भी वफाकी हुकूमत को तंबीह, कहा डिजिटल मर्दमशुमारी पर हमारे इख्तराजात ना सुने गए तो अपना लाहे अमल देंगे।